जब कीचड़ उछलेगा तो सबके ऊपर उछाला जाएगा, ये बात भी मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाले, आप दूसरों की जो है कैरेक्टर का हनन करें, असैसिनेशन करें, और अगर आपके बारे में कोई बोले तो फिर वो जो है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इस तरीके का दोहरा मापदंड और दोहरा चित्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं, ये केवल और केवल एक माया जाल बुनने का कोशिश कर रहे हैं, और उस माया जाल को बुनने के लिए महानगरी से, मुंबई की महानगरी से एक अभिनेत्री को यहाँ पे बुलाया गया है। मैंने पहले ही कहा कि हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मैंने शिमला से ही कह दिया है कि वो हमारी बड़ी बहन है, और अगर कोई अपशब्द उनके बारे में कहेगा हम उनका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर उनकी भी जवाबदेही है। उन्होंने जो अपनी सहयोगियों के प्रति जो अपशब्द के जिस तरीके के शब्दावली उन्होंने पूर्व में जिसका प्रयोग किया है, मैं उन चीजों का यहां पे उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। जो जो उन्होंने शब्द अपने को स्टार्स के बारे में कहे हैं, जब कीचड़ उछलेगा तो सबके ऊपर उछाला जाएगा, ये बात भी मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाले, आप दूसरों की जो है कैरेक्टर का हनन करें, असैसिनेशन करें, और अगर आपके बारे में कोई बोले तो फिर वो जो है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इस तरीके का दोहरा मापदंड और दोहरा चित्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना भी सीखो, ये बहुत जरूरी है, और ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति, हिमाचल प्रदेश की सभ्यता, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हमें किसी के ऊपर भी कोई टिक्का टिप्पणी करने का जो है वो आदेश नहीं देती है, मगर हमें इस चीज का ख्याल भी रखना है कि हमें अपने प्रदेश की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, जो हमारी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इसको बनाकर रखना भी हमारा दायित्व बनता है। तो मेरा सभी साथियों से ये विनम्र निवेदन है कि हमने पूरी मजबूती के साथ इन चुनावों में उतरना है, पूरी सभ्यता के साथ चुनावों में उतरना है, मुद्दों के साथ चुनावों में उतरना है, पूरी गंभीरता के साथ और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, पूरी मजबूती से निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, जीतने के लिए चुनावों में लड़ना है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से जब हमने उपचुनाव लड़ा, हमारे सभी यहां पे वरिष्ठ नेता सभी मंच के ऊपर उपस्थित है, जैसा अभी यहां पे अलका जी भी कह रही थी कि सबने एकजुटता के साथ जो 2021 में हमारा लोकसभा का उपचुनाव हुआ मंडी संसदीय क्षेत्र का, और 3 जो हमारे विधानसभा के उपचुनाव हुए, उससे एक पूरी राजनीतिक दृष्टि का कायाकल्प हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।